हेलो दोस्तों, AM इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीरीज को कैसे करते हैं। सीरीज का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक हमने बल्ब ले लिया, ये हमारा बल्ब है। सॉरी, ये मिला दिया मैंने, यहाँ से दो वायर आई, पॉजिटिव और नेगेटिव हम यानी कि फेस और न्यूट्रल ही देंगे। अभी मैं आपको तीन बैटरियों के हिसाब से एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। ये हमारी तीन बैटरियाँ हैं, 1.5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमने यहाँ से उठा के ये हमारा पॉजिटिव को दे दिया और ये हमारा नेगेटिव को दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे सीरीज कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज कनेक्शन अभी मैं बता देता हूँ कि बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। किसी भी बैटरी को जोड़ने से पहले हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव सिरे को देखेंगे कि क्या है ये, उसको जानेंगे। ठीक है, एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव के दूसरी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। और बैटरी का पॉजिटिव, जैसे कि हमने इसमें डायग्राम में बताया है, वोल्टेज वोल्ट यानी कि ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, उसके पॉजिटिव से दूसरे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है। ठीक है, और तीसरी बैटरी उसके नेगेटिव को दूसरे वाले के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे तीसरी बैटरी उसके नेगेटिव को दूसरे वाले के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। इस प्रकार तीन सेल यानी कि तीन बैटरी को सीरीज में जोड़ने के बाद एक छोटा बल्ब लगाएंगे जो हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, जो काफ़ी तेज रोशनी में जलेगा। यदि हम एक बैटरी को निकाल देंगे तो दो बैटरी की सहायता से बल्ब को जला देंगे, तो बैटरी बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। यानी कि बल्ब को पहले 4.5 वोल्ट से, मतलब पहले 4.5 वोल्ट मिल रहे थे इसको, क्योंकि 1.5 1.5 ये हमने प्लस करके 4.5 वोल्ट होता है। तो अब 3 वोल्ट ही रह जाएंगे, क्योंकि इसमें से 1.5 वोल्ट निकल जाएगा अगर हम एक बैटरी को निकाल देंगे, जो बल्ब को तेज रोशनी में यानी कि बल्ब को जलने के लिए ठीक होंगे, यानी कि 3 वोल्ट में भी अपना काम करेगा। यदि हम बैटरी की संख्या कम कर देते हैं तो वोल्टेज भी कम होगा, बैटरी की संख्या बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम जैसे पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, तो हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में जैसे मैंने आपको तीन बैटरियों का एग्जांपल दिखाया, ऐसे ही हम उन बैटरियों को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये तीन बैटरियाँ हैं हमारी, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है ये, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने ले लिया एक बल्ब। ठीक है दोस्तों, ये बल्ब बल्ब को जलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव हमने पॉजिटिव से दे दिया, ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे, पॉजिटिव ही दे दिया हमने, नेगेटिव हमने इनके कॉमन कर दिए सारे के, और पॉजिटिव भी हमने कॉमन कर दिया। ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बैटरी को जैसे उनके इनकी बैटरी के पॉजिटिव सिरे को आपस में जोड़ देंगे, नेगेटिव सिरों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों सिरों से वायर लेकर एक छोटा बल्ब जलाएंगे, हम देखेंगे कि उसका फोर्स बहुत कम रोशनी यानी कि वो कम रोशनी दे रहा है। पैरेलल में कनेक्शन करने पर बैटरी का वोल्टेज उतना ही रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये 1.5 वोल्ट की बैटरी थी, ये भी 1.5 वोल्ट की बैटरी थी, ये भी 1.5 वोल्ट की बैटरी थी। तो जैसे कि हमने जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दिखाए, तो ये 1.5 वोल्ट की ही रहेगी, ना कि इसमें ये प्लस होएगी, 1.5 प्लस 1.5, जैसे कि मैंने हमने सीरीज कनेक्शन में पढ़ा था। तो दोस्तों, इनका डिफरेंस यही है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। सीरीज कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज प्लस होएगी, और वो साथ में जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसमें प्लस होती चली जाएगी, हम जोड़ते चले जाएंगे उनकी वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, और पैरेलल में अलग अलग रहेंगी। ठीक है दोस्तों, जितनी वोल्ट है उतनी ही रहेगी पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको और एक एग्जांपल के साथ में सर्किट डाल देता हूँ इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो और आपको ज़्यादा डीपली समझ में आएगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं। मैं एक बल्ब का सर्किट डाल देता हूँ आपके। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।